जिसके वजह से एक ब्रेन का हिस्सा कमजोर हो जाता है, या फिर वहां पे नस फटने से हिमरेज बोलते हैं, खून जमा हो जाता है, तो इस तरीके से वो पैरालिसिस होता है। उसको अर्धांगवायु मतलब एक हाथ और एक पैर की ताकत जाती है, वैसे ही गर्दन में नस दबने से सिर्फ हाथ में ताकत जा सकती है, सिर्फ पैर में जा सकती है मनके में दबने से, ये चेहरे की तरफ जो नस जाती है फेशियल नस जिसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं, सिर्फ मुंह टेढ़ा होता है ऐसा, तो इसके ऊपर ये सब मरीज हमारे पास आते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। ये और एक चीज इसमें मैं खास तौर के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि ऐसे रुग्ण हमारे पास 8 से 10 दिन में आते हैं तो लगभग 100 में से 70 से 80 रुग्ण अगले 10 से 15 दिन में पूरी तरह अच्छे हो जाते हैं। बल्कि यही बीमारी अगर पुरानी होती जाएगी तो फिर इसमें मगज में कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगी, नसों में कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगी, तो उसमें भी अच्छा असर आता है लेकिन कुछ ना कुछ फिर खामी रहने का कुछ ना कुछ मुआवजा भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द एक्यूपंक्चर का इलाज करके ये सबको ट्रीटमेंट दें। ये सब नसों के लिए, मगज के लिए आज भी दुनिया में इतनी दवाइयां वगैरह विकसित नहीं है, यहाँ पे एक्यूपंक्चर का ही अहम रोल है, तो उसका उपयोग जरूर दर्शक करें। दूसरी मैं डॉक्टर साहब ये बात कहना चाहूंगा कि आजकल अगर बात करें तो लकवे जैसी बात तो आपने की, लेकिन घुटनों के दर्द जो होते हैं आज सीनियर सिटीजनों को पहले ये होता था प्रॉब्लम, लेकिन अब आम आदमी को भी ये लगने लग गया है कि भाई कहीं घुटना दुख रहा है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, लिफ्ट से जाना है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बराबर है। देखिए ऐसा है कि घुटने का दर्द जो है वो अभी आम जीवन में बहुत जगह हम देख रहे हैं। एक्चुअल हमारा जो अभी मॉडर्न स्टाइल है लिविंग, इसमें ज्यादा चलना घूमना होता नहीं है, ज्यादा एक जगह बैठ के काम होता है, तो इसमें घुटने के अंदर जो ऑयल बनाने वाली पेशियां होती है वो भी कमजोर हो जाती है। अगर वो कार्यशील नहीं रही तो कमजोर हो जाएगी, तो उसके वजह से दो हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, वो घिसने के वजह से दो हड्डी के बीच में का गैप कम होता है। अक्सर हम एक्सरे निकालते हैं और उसमें यही पाया जाता है कि दो हड्डी के बीच में का गैप कम हो गया, तो गैप कम हो गया इसके वजह से दो हड्डी के बीच में का कार्टिलेज घिसता है, उसके ऊपर छोटी छोटी जख्म होती है, वो कभी कभी वो जख्म में से पानी ज्यादा निकलता है तो घुटने में सूजन भी दिखती है। आमतौर पे सूजन नजर नहीं आती लेकिन दर्द जरूर रहता है। शुरुआत में जब मरीज सीढ़ियां नीचे उतरता है तो सीढ़ियां नीचे उतरते हुए उसको दर्द महसूस होता है, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने में भी होता है, फिर चलने घूमने में भी होता है, फिर पैरों में सूजन आती है, पैरों में मतलब घुटने में सूजन आती है, ऐसा फूला हुआ दिखता है। तो ये सब स्टेजेस है उसकी, तो हर स्टेज में से मरीज को हम लोग एक्यूपंक्चर से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि जितना पहले का स्टेज उतना जल्दी अच्छा होगा। तो एक्यूपंक्चर में होता ऐसा है कि घुटने का दर्द मतलब हम लोग एक ही तरीके से एक ही एंगल से नहीं देखते। जैसे कोई रणजी ट्रॉफी का मेरे पास प्लेयर हुए हैं क्रिकेटर्स जिनको घुटने का दर्द था, तो उसमें कोई बुढ़ापे के वजह से घुटने के अंदर ऑयलिंग कम नहीं हुआ है, उसके अंदर कार्टिलेज ज्यादा खेलने घूमने से ब्रश हो गया है, तो उसमें हम जो बिंदु उपचार के लिए लेते हैं एक्यूपंक्चर के वो अलग होते हैं। जो वयस्क होते हैं उनमें आमतौर पर नैसर्गिक स्वरूप से ही ऑयलिंग कम हुआ है। बेसिकली घुटने के दर्द को मैं बीमारी नहीं मानता। इसमें होता ऐसा है कि जैसा एक 50 साल की उम्र के इंसान को अगर घुटने का दर्द होता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारा घुटने का उम्र जो है वो 60 है और तुम्हारी उम्र 50 है, तो ये 10 साल का जो डिफरेंस है उसके वजह से आज तुमको ये बीमारी हो रखी है। तो हम लोग एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं कि ये घुटने के अंदर की सूजन मिटाते हैं। सूजन मिटाने के साथ साथ ये अंदर का जो कार्टिलेज है वो भी पहले जैसे लचीला होता है और उसके अंदर ऑयल बनाने वाली ऑलरेडी पेशियां होती है। मरीज पूछते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब अंदर ऑयल कैसे बनेगा, मैं कहता हूं कि भाई साहब इसमें जो ऑयल बन रहा है वो बचपन से ही बन रहा है, आप कोई अभी नहीं बना रहे हो, इसमें जो गादी है ऑयल बनाने वाली वो अभी कार्यशील नहीं रही इसीलिए इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसको हम सूजन मिटाएंगे तो अपने आप इसका जो सिक्रेटिंग सरफेस है वो ऑयल बनाना शुरू करेगा और उसमें ऑयल बनने लग गया है तो घुटने का दर्द कम होगा। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि घुटने के कई लोगों को हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, 100 में से 70-80% पेशेंट पहले 5-10 दिन में ही बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि इसमें कैसा है कि सूजन कम होगी अंदर और 2-4 बूंद भी ऑयल अंदर बनने लग जाएगी तो घसना इतना कम हो जाएगा घुटने का कि मरीज को लगता है कि मैं अब पूरा ठीक हो गया है। लेकिन ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये टेम्पररी हो गया है। फिर अगर आपको परमानेंट, उसमें से परमानेंट मतलब 5-7 साल 10 साल के लिए इजाद पाना है तो उसके अंदर ऑयल का पुरजोर मात्रा में बनना जरूरी है। पुरजोर मात्रा में बनेगा तो घसना कम होगा, घसना कम होगा तो दर्द कम होगा। इस तरीके से हम लोग घुटने के दर्द के लिए पेशेंट के लिए भी अच्छा इलाज करते हैं। मेरे पास कई सारे रुग्ण हैं जिन्होंने मुझसे 5-10 साल पहले इलाज किया था घुटने का, आज वो दूसरी बीमारियों के लिए आते हैं। इस पर से मुझे पता चलता है कि ये घुटने के
वो जो दर्द के लिए ट्रीटमेंट किया था, इतने सालों तक इनको आराम मिलता है।